हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जिनका भी अभी तक DU अंडर ग्रेजुएट रेगुलर में अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, सेकंड राउंड में भी जिनका नाम नहीं आ पाया, तो आपके लिए बिग अपडेट है थर्ड राउंड को लेकर। तो क्या सबको मिलेगा एडमिशन इस बार? ऐसा मैं कह रहा हूँ इस आर्टिकल को लेकर। और ये जो आर्टिकल है आज ही प्रिंट हुआ है, आज ही पब्लिश किया गया है, और ये आर्टिकल अमर उजाला द्वारा पब्लिश किया गया, और नवभारत टाइम पे भी आपको मिल जाएगा, द इंडियन एक्सप्रेस पे भी आपको मिल जाएगा। तो आप कहीं भी से भी इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। तो अभी जैसे कि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय की दो राउंड की जो अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट के जो रिजल्ट्स है वो डिक्लेयर हो चुके हैं। इसके बाद काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चन थे कि सर क्या थर्ड राउंड होगा या नहीं होगा, और जब ये मैंने आर्टिकल पढ़ा उसके बाद तो इतना क्लियर कर दिया गया कि थर्ड राउंड होने की बहुत संभावना है। मैं आपको दिखा देता हूँ आर्टिकल में पूरी चीज़ क्या है। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए, ठीक है। सबसे पहले अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ चीज़ को लेकर। तो देखिए, ऐसा ये आर्टिकल आज का है, बिल्कुल लेटेस्ट आर्टिकल है। पहले राउंड में भरी, मतलब पहला राउंड हुआ उसमें, तो मतलब आप कहो ये मानो कि भीड़ ऐसी भरी, दूसरे में खाली हुई सीटें, पहली में तो बहुत बढ़ गई और दूसरी में खाली हो गई। तीसरे राउंड से अब उम्मीद है कि जो खाली सीट से उनको भरा जाएगा। पूरा मामला है, दिल्ली विश्वविद्यालय में अधिकतर कैंपस कॉलेजों में सीट भर चुकी है, ठीक है। पहले राउंड तक लगभग सभी कॉलेजों में सीट से ज़्यादा दाखिले हो गए थे। मतलब आप ये यकीन नहीं कर रहे हो, जितनी सीट्स थी ना उससे ज़्यादा तो दाखिले हो गए थे आपके पहले राउंड में DU के अंदर। कुछ कॉलेजों में तो गिनी चुनी सीट ही खाली थी, जो मतलब ये हालात थे कि मतलब आप क्या ही बताऊँ, जैसा कि बोला गया है। लेकिन दूसरा राउंड आते आते कुछ आउट ऑफ कैंपस कॉलेजों में शिफ्टिंग का दौर शुरू हो गया, वही अपग्रेड वाला सीन, ठीक है, कि ये कॉलेज, अरे ये इससे अच्छा तो ये वाला मिल रहा है, इससे अपग्रेड कर लेते हैं। इसी कारण से वहाँ सीटें खाली होने लगी। अब इन कॉलेजों के आस है कि आस छोड़कर गए छात्रों की जगह नए छात्रों के आने से उनकी सीटें भरेंगी। मतलब कुल मिला के बात है कि पहले राउंड में जो सीट खाली हुई थी अब उनको थर्ड राउंड में भरा जाएगा। मतलब कि आपके पास अब चांसेस है। जो बच्चे, मैं यही तो आपको समझा रहा था जब मैं लास्ट वीडियो बनाई थी, कि जो बच्चे अब सीट्स छोड़ेंगे उन सीट्स में आपका एडमिशन होगा। दरअसल अभी दूसरे राउंड की सीट स्वीकार करने के बाद फी जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 30 अगस्त है। ऐसे में कॉलेज उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी सीटें भी कुछ एक भर जाएगी। महाराजा अग्रसेन कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव तिवारी ने बताया कि उनकी 858 सीटें और करीब 700 छात्रों ने फी जमा करा दी है। दूसरा राउंड शुरू होने पर सीट अपग्रेड का विकल्प मिलने से करीब 400 छात्र कॉलेज छोड़कर दूसरे कॉलेज में गए। आप देख लीजिए, एक कॉलेज में 400 सीट्स खाली हो गई, ऐसे इससे सीटें खाली हुई। लेकिन नए छात्र आए भी हैं और अभी उनके दाखिले प्रक्रिया में है, ऐसे में सीट ज़्यादा खाली रहने की स्थिति नहीं बनेगी। श्री अरबिंदो कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन अग्रवाल ने बताया कि पहले राउंड में हमारे यह काफ़ी अच्छे दाखिले हो गए थे, लेकिन दूसरे राउंड में सीट अपग्रेड का विकल्प मिलने से हमारे यहाँ से 30-40% तक छात्र किसी अन्य कॉलेज में शिफ्ट हो गए। मतलब आप ये कह सकते हो सीट खाली है। ऐसे ही हाल कई आउट ऑफ कैंपस कॉलेजों का है, लेकिन नए छात्र आए भी है। अब कॉलेजों को अपनी सीट तीसरे राउंड तक भर जाने की उम्मीद है। कई कॉलेजों में अभी भी कुछ साइंस की सीट खाली है, मतलब जो साइंस पढ़ना चाहते हैं भी साइंस की सीट आपको मिल सकती है, उनको लेकर कॉलेज प्रबंधन चिंतित है। मतलब साइंस की सीट खाली नहीं रहती। दूसरे राउंड में शिफ्टिंग शुरू होने से कुछ आउट ऑफ कैंपस कॉलेज में सीट हुई खाली, यानी तीसरा राउंड निकलेगा, बहुत जल्दी निकलेगा। 30 तारीख के बाद सीट्स का एनालिसिस होगा, कितनी सीट्स खाली, उसके बाद तीसरे राउंड की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तीसरा राउंड आपका कब होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, उन बच्चों के लिए जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ या जो अपग्रेड का ऑप्शन अभी भी ढूंढ रहे हैं सेकंड के बाद भी। तो मैं आपको बता दूंगा जब भी होगा। वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। थैंक यू।